वो कौन सा जानवर है जिसके बाल ट्रांसपेरेंट होते हैं? जवाब है बर्फानी रीछ। कौन सा दूध देने वाला जानदार है जो उड़ता है? चमगादड़ यानी बैट। कौन सा जानवर अपनी जबान बाहर नहीं निकाल सकता? जवाब है मगरमच्छ। किस जानदार का दिल सर में होता है? जवाब है झींगा। वो कौन सा जानवर है जिसकी 3 पलकें होती हैं? जवाब है ऊंट। तो ये 3 फेसलेस शॉर्ट चैनल आप आसानी से बना सकते हैं, चाहे मोबाइल से बना लें और चाहे आप पीसी से बना लें। यानी क्विज, फैक्ट और टॉप 10 वीडियोस भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इजी स्टेप है। सबसे पहले आपने चैट जीपीटी पर चले जाना है और अभी हम क्विज के लिए लिखवा रहे हैं कि राइट 30 क्विज विद आंसर्स इन उर्दू, यानी 30 सवाल और उनके जवाब भी आपको उर्दू के अंदर लिख के दे देगा। आप इसको स्पेसिफिक बता भी सकते हैं कि इस टॉपिक के बारे में लिखे, और नहीं भी बता सकते, ये खुद अपनी मर्जी से लिख देगा। इसको आपने कॉपी करके पेस्ट कर लेना है नोट पैड में या कहीं पे भी इसको पेस्ट कर लेना है। दूसरा जो हमारा चैनल है वो है फैक्ट्स के बारे में, तो हम इसे फैक्ट्स भी लिखवा लेंगे। राइट 30 अमेजिंग फैक्ट्स इन उर्दू। आप 100 फैक्ट्स लिखवा लें, 1000 लिखवा लें और उसको एक ही दफ़ा पे कहीं पे पेस्ट कर दें, आपका टाइम बच जाएगा। तो इसने हमें फैक्ट्स लिख के दे दिए और उर्दू में लिख के दे रहा है। अगर कोई इसमें ये गलती भी कर रहा है तो हम इसको ठीक कर देंगे, क्योंकि है तो ये AI, तो हमें कंटेंट मिल जाएगा, हमें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये हर चीज़ आपको बता देगा। जो तीसरा चैनल या तीसरी वीडियो हमारे जहन में है, वो हमारे जहन में है टॉप 10 के बारे में, यानी कोई भी टॉप 10 लिस्ट आप यहाँ से बना सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं। तो मैंने लिखा राइट टॉप 10 लिस्ट ऑफ कंट्री जहाँ पे ज़्यादा मोटे लोग रहते हैं, विद फैट पीपल। आप कुछ भी लिख दें यहाँ, ये नहीं भी लिखेंगे तो ये टॉप 10 लिस्ट आपको उर्दू में बना के दे देगा। तो इसको मैंने जनरेट कर देना है। चैट जीपीटी मुकम्मल तौर पे फ्री है, इसके ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे काम आपने मोबाइल से भी करने हैं, पीसी से भी हो जाएंगे। मैं इसलिए पीसी पे कर रहा हूँ ताकि इसकी स्क्रीन बढ़िया सबको नज़र आए। तो इसने मुझे 10 ममालिक लिख के दे दिए जहाँ पे मोटे लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे पहले नंबर पर अमरीका, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, फिर मेक्सिको, चौथे नंबर पर पाकिस्तान। तो ये सब को मैंने कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर लेना है। कंटेंट हमें मिल चुका है, अब हमने कैनवा की ऐप में चले जाना है। ऐप में चले जाएं या वेबसाइट खोल लें, एक ही तरह का इसका प्रोसीजर है। वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, जो 9.16 टाइप की वीडियो आपको नज़र आएगी उसको आपने चूज़ कर लेना है, यानी कि जो खड़ा हुआ मोबाइल होता है। अब यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे जो फ्री के टेम्पलेट होंगे उनको आपने ले लेना, जिसके ऊपर ताज ना बनाओ। जैसे कि ये फ्री में, इस पर तो कुछ और लिखा हुआ, लेकिन हम यही ले लेंगे और इसको हम कर लेंगे एडिट। यहाँ पे हम ये डिलीट कर देंगे इसकी वीडियो, ये जो लड़के की वीडियो है पीछे से पिक्चर भी डिलीट कर देंगे, और नीचे जो और कुछ लिखा हुआ है और कोई इन्फॉर्मेशन है उसको भी हमने डिलीट कर देना, लेकिन ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा रहने दें। इसी टेक्स्ट के ऊपर हम अपना टेक्स्ट पेस्ट करते जाएंगे। तो हम पहले जो है क्विज की वीडियो बना लेते हैं, और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ से शेप में जाके एक शेप यहाँ पे रख देनी है और उसका कलर वाइट कर लेना है। ये आप रख भी सकते हैं अगर आप चाहें, ताकि कुछ खूबसूरत सा कलर स्कीम यहाँ पे आपको नजर आए। अब हमने कॉपी कर लेना है जो भी फैक्ट लिखा हुआ था या क्विज लिखा हुआ था। तो पहले मैं एक क्विज ले लेता हूँ, यानी एक सवाल या एक पहेली समझ लें। तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया सिर्फ चैट जीपीटी से कॉपी करके, और ये यहाँ पे खुद ब खुद आ गया। इसका कलर चेंज किया जा सकता है, साइज चेंज किया जा सकता है, जो आपको खुद को अच्छा लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हर चीज़ की ऑप्शन है और कम्प्लीटली ये फ्री है। इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे आप कहीं पे भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये एनिमेशन है, यानी इसको आपने कोई एनिमेशन दे देनी है कि ये कोई इफेक्ट में आ जाए। अब ये देखें प्ले होगा तो ये इस तरह आ रहा है जैसे लिखा हुआ आ रहा है, या कोई भी इफेक्ट गायब हो रहा है, फेड हो रहा है, पैन हो रहा है, अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी इफेक्ट यहाँ से इसको चूज़ कर लें, ताकि वीडियो अच्छी लगे, लोग एंगेज हो जाएं। तो ये पहला सीन है, अभी इसकी लेंथ है 5 सेकंड। इसको आप ड्रैग करके बढ़ा भी सकते हैं, 20 सेकंड तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हमने इसको इतना रखना है जितनी देर में हम यहाँ पे बोलेंगे कि दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले इंसान कौन सी एप्लीकेशन पर हैं। तो ये 5 से 6 सेकंड बनेगा, अगर कोई स्लो बोलता है तो उसका 7-8 सेकंड हो जाएगा। तो आपने दिल दिल में पहले बोल के देख लेना कि मैं कितनी देर में ये बोल लूँगा। उसके बाद एक और हमने प्लस का निशान ऐड करना है, तो एक और हमारे पास क्लिप आ जाएगा। इस क्लिप के अंदर हम
पांच सेकंड का गैप देंगे, इस क्लिप के अंदर पांच सेकंड का गैप देंगे, यहाँ पे आप शेप ऐड भी कर सकते हैं और नहीं भी ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारी 15 सेकंड की शॉर्ट बन जाए। तो यहाँ पे हम 5 सेकंड का गैप देंगे और काउंट डाउन चलाएंगे। तो इस पेज पे मैं लिख देता हूँ, सोचो, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आके पब्लिक रुकेगी और यहाँ पे वो सोचेंगे कि इसका क्या जवाब हो सकता है। अगर हमने 5 सेकंड से ज़्यादा किया तो लोग शॉर्ट को स्किप कर सकते हैं। इसका फॉन्ट हमने अपनी मर्जी से ले लिया, हर चीज़ यहाँ पे फ्री की सिलेक्ट करनी है। कलर भी चेंज किया जा सकता है, इसका कलर हम रेड कर देते हैं। ऊपर सेटिंग, हर किस्म की सेटिंग इसकी आपको मिलेगी। जैसे ही आप फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, ऊपर फॉन्ट, कलर, हर चीज़ आ जाएगी। तो इसको मैंने रेड कर दिया। तो अब यहाँ पे हम फिर इसको इफेक्ट दे देंगे और इसका कलर थोड़ा सा हो जाएगा ब्राइट। एनिमेशन भी दी जा सकती है यहाँ पे। अब मैंने ये किसी वेबसाइट से ये डाउनलोड कर लिया, काउंट डाउन 5 सेकंड का, कहीं से भी आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। ये काम सिर्फ आपने एक दफ़ा करना है, उसके बाद आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपकी वीडियो डेली बनती जाएगी। यानी 2 मिनट में आपने एक वीडियो बना लेनी है। बल्क में इसलिए आपको नहीं सिखा रहा क्योंकि बल्क में वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हम उर्दू में कंटेंट बना रहे हैं। बल्क में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अच्छा कंटेंट चाहिए होता है हमें, अच्छा कंटेंट हो, लोगों को एंगेज करे। बल्क को भी हम बाद में सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपने ये शॉर्ट्स बनाना सीखने हैं, लोगों को एंगेज भी करेंगे और उर्दू में भी होंगे। तो ये मैंने प्ले किया, अब ये देखेंगे ये 5 सेकंड के, अभी इसके अंदर हम और चीज़ें ऐड करेंगे और ये दूसरा पेज हमारा तकरीबन रेडी है। अब आपने चले जाना है एलिमेंट्स में, लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स हैं, यहाँ से क्लॉक लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे उसके ग्राफिक्स आ जाते हैं। एलिमेंट में जाके क्लॉक लिखा और ग्राफिक्स पे क्लिक कर दिया तो वो मूव हो रही होगी क्लॉक, यानी हमें मूविंग क्लॉक चाहिए। पेड हमें नहीं चाहिए, जिसके ऊपर ताज बना हुआ है या प्रो लिखा हुआ है, हम कोई फ्री ले लेंगे। और अगर यहाँ पे कोई इमेज आपको ना मिले तो आप गूगल से भी ले सकते हैं। अभी मैंने क्लॉक लेके यहाँ पे रख दी, जहाँ पे भी मुझे ये ठीक लगेगी, क्योंकि कोई चीज़ मूव कर रही होती है उससे लोग बोर नहीं होते। ऊपर काउंटडाउन चल रहा है, नीचे घड़ी घूम रही है, तो ये लोग यहाँ पे रुकते हैं। और पहले पेज के ऊपर, क्योंकि अब एप्लीकेशन की बात हो रही है, तो हम कोई एप्लीकेशन टाइप की यहाँ पे चीज़ रखेंगे, ताकि एक तो पढ़ के भी उनको समझ में आए और साथ में ऐसी कोई पिक्चर भी होनी चाहिए। तो ये उर्दू के नीचे हम इससे रिलेटेड कोई चीज़ ले लेते हैं। हम फिर एलिमेंट्स में चले गए और यहाँ पे हमने जाके लिख देना है ह्यूमन, क्योंकि यहाँ पे हम इंसानों की बात कर रहे हैं। तो कोई सा भी हमने या ह्यूमन ले लें या इंस्टाग्राम की कोई इमेज ले लें जो यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं, और दोनों चीज़ें भी ले सकते हैं। तो ये देखेंगे कुछ लोग खड़े हुए थे, इनको मैंने लेके यहाँ पे रख दिया। इनके ग्राफिक्स नहीं थे, इमेज थे, तो हम इसको खुद खुद एनिमेशन दे देंगे। तो हमने एनिमेशन दे दी, तो ये इस तरीके से आपको शो हो रहे हैं। तो समझ में आएगा कि जो लिखा हुआ है और साथ में किस बारे में बात हो रही है। अब दोबारा एलिमेंट्स में जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोशल मीडिया, क्योंकि एप्लीकेशन की बात हो रही है तो सोशल मीडिया की कोई भी फ्री की मुझे कोई इमेज मिल जाए, ग्राफिक मिल जाए, और नहीं मिलेगा तो मैं गूगल से या कहीं और से जाके फ्री में ले सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये ले लिया, क्योंकि ये सोशल मीडिया टाइप कुछ है, ट्विटर और इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको भी मैं एनिमेशन दे सकता हूँ कोई भी, तो एनिमेशन इसको देने के लिए इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ऊपर आ जाएगा एनिमेट। आप कोई भी इसको दे दें, नीचे जो आपने पहले एनिमेशन दी थी उससे डिफरेंट दे दें, ताकि सब कुछ एक जैसा ना लगे। तो पहला पेज हमारा हो चुका है रेडी 5 सेकंड का। ये सब कंप्लीट करने के बाद हमने रिकॉर्डिंग करनी है, और क्योंकि क्विज़ के 3 हमने क्लिप बना लिया। पहला क्लिप है जिसमें सवाल किया जा रहा है या पूछा जा रहा है कुछ, के इसको सॉल्व करें। दूसरे क्लिप में 5 सेकंड दिए जा रहे हैं कि वो इंसान सोचे। तो लोगों को ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, लोग कहते हैं यार इसका जवाब मुझे आता है, क्या मैंने सही जवाब दिया है, तो वो ज़रूर ऐसी शॉर्ट्स पे क्लिक करते हैं। लेकिन कंटेंट आपने डेली बनाना है, एक ही दिन में 5 बना के उसको आप पब्लिश ना करें, अपलोड कर सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक पब्लिश होते रहें। तो अब तीसरे पेज में हम चले गए, उसको प्लस का निशान किया। अब यहाँ पर हमने लिख दिया जवाब है, उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में आंसर भी लिख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे बताना है कि इसका जवाब क्या था। कई लोगों को आता होगा, लेकिन वो फिर भी देखेंगे कि क्या मेरा जवाब ठीक था। इसको हमने यहाँ पे दे देनी है एनिमेशन। एनिमेशन देने से ज़रा अच्छा सा लगता है, कुछ स्टिल नहीं लगेगा, कोई चीज़ मूव हो रही होगी। फिर एलिमेंट्स के अंदर जाएंगे, और क्योंकि जवाब इसका इंस्टाग्राम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स हैं पूरी दुनिया में, तो कुछ लोगों के लिए नया जवाब होगा और कुछ लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे जाके हमने देखना है इंस्टाग्राम का लोगो हमें फ्री में मिल रहा है, तो ये मिल रहा है, तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे। अपनी मर्ज़ी से आप सेटिंग कर सकते हैं, ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है, टेक्स्ट कहाँ अच्छा लग रहा है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऊपर कर दिया। यहाँ पे फिर हम इनको ग्राफिक्स दे देंगे, यानी एनिमेट कर देंगे, ताकि ये कुछ मूव कर रहे हो।
तो आप जिस पे भी क्लिक करेंगे ऊपर एनिमेट आ जाएगा, उसको आप एनिमेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो जो मोबाइल से काम करता है उनके लिए तो कमाल की ये चीज़ है, उनको कहीं पे भी नहीं जाना, सारे काम चैट जीपीटी और ये कैनवा कर देगी, जो कि 100% आपको फ्री मिलता है। अब वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए आपने यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना है, रिकॉर्ड वॉइस करनी है, तो ये आपको अलाउ का पूछेगा, उसको आप अलाउ कर दें, 3 सेकंड देगा, आप तैयार हो जाएं और आपने अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर देनी है, जो लिखा हुआ है वो आप बोलना शुरू कर दें। तो ये आप बोलते जाएंगे, देखिए मैं बोल रहा हूँ तो ये इसमें रिकॉर्डिंग होती जा रही है, तो इसको आपने डन कर देना, जैसे ही एक क्लिप की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, उसके बाद सेव एंड एग्जिट कर देना, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो चुकी है इस क्लिप के अंदर ये ऑडियो, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले इंसान कौन सी एप्लीकेशन पर होते हैं? हालांकि मैं रॉ रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन कैनवा के अंदर रिकॉर्डिंग करने से, ऑडियो रिकॉर्डिंग करने से इसका तमाम शोर खत्म हो चुका है। दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले इंसान कौन सी एप्लीकेशन पर होते हैं? ठीक है, अब दूसरे में हमें रिकॉर्डिंग नहीं करनी क्योंकि दूसरे में काउंटडाउन चल रहा है, तो हम तीसरे क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, अपलोड में जाएंगे, अपलोड में जाके ऑडियो पे क्लिक करेंगे, ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो हमें रिकॉर्ड योर सेल्फ की ऑप्शन आ जाएगी, आप अपलोड भी कर सकते हैं अगर कोई ऑडियो आपने कहीं रखी हो। तो इसी तरह हम रिकॉर्ड करेंगे, 3 सेकंड का टाइम मिलेगा और उसके बाद आपने रिकॉर्ड कर देना। तो रिकॉर्डिंग आप जैसे ही करेंगे पूरी, क्योंकि अब ये छोटा सा क्लिप है 5 सेकंड का, तो ये इसके अंदर सेव हो जाएगा। जवाब है इंस्टाग्राम। तो ये देखें, ये आ गया, अब हम इसको पूरे को प्ले करके देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमने म्यूजिक ऐड करना है। म्यूजिक हमने यूट्यूब स्टूडियो में जाके हमेशा ऑडियो लाइब्रेरी से ही लेना है। म्यूजिक अगर आप कहीं से भी लेते हैं, कैनवा से या कहीं से भी फ्री लेते हैं, उस पर आपको जरूर कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, क्योंकि यूट्यूब कभी भी अलाउ नहीं करता कहीं और से म्यूजिक लेने का। तो म्यूजिक आप यहाँ से लेके, यहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हैं, कोई भी कर सकता है, जिसका भी यूट्यूब चैनल है यूट्यूब स्टूडियो में जाके अपनी मर्जी का म्यूजिक निकाल के ऐड कर सकता है। अपलोड में जाएंगे, ऑडियो में जाएंगे, जहाँ पे भी म्यूजिक रखा था उसको यहाँ पे ले आएंगे। अब क्लिप हमारा 15 सेकंड का है, लेकिन जो म्यूजिक है वो बड़ा है, लेकिन जैसे ही हम म्यूजिक को पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे वो खुद ब खुद जो है उसी साइज का हो जाएगा जिस साइज का हमारा क्लिप है। यह हम पकड़ के इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, राइट से पकड़ लें, लेफ्ट से पकड़ लें और क्लिप के मुताबिक इसको ड्रैग कर दें। तो इस तरह से अब ये हमारा क्लिप तैयार हो चुका है। दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले इंसान कौन सी एप्लीकेशन पर होते हैं? जवाब है इंस्टाग्राम। तो देखें, पहली दफा में आपको इसमें मेहनत लगी, आपने कुछ काउंटडाउन जो है वो डाउनलोड किया या जो भी आप बना रहे हैं, दूसरी दफा बस आपने एडिट करना है। आपका फॉर्मेट ये कैनवा के अंदर सेव रहता है, इसके ऊपर आपने आना है और वो वहां से कॉपी किया हुआ जो भी होगा वो यहाँ पे पेस्ट कर देना। जवाब जो है लिखा रहेगा नीचे, आपने जवाब में विनस लिख दिया या कुछ भी, आप इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको इमेज नहीं मिल रही तो आप गूगल पे जाएंगे, और विनस की इमेज हमें कैनवा में नहीं मिल रही थी, हमने गूगल पे लिख दिया तो गूगल हमें बहुत सारी इमेजेस दे देगा, जिसमें से काफ़ी ऐसी होती हैं जो हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप कोई इमेज यूज़ करेंगे भी, तो क्योंकि आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो आपको कोई कॉपीराइट किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपना कंटेंट बनाया, यूनिक कंटेंट बनाया, रेफरेंस के लिए कोई आपने इमेज डाल दिया, किसी पर्सन की इमेज आपने यूज़ नहीं की, तो वो कॉपीराइट आएगा ना, अगर आप किसी की इजाज़त के बगैर उसकी अपनी तस्वीर यहाँ पर डाल देंगे तो फिर प्रॉब्लम है। वीनस की तो आप डाल सकते हैं, वीनस तो नहीं आपको कॉपीराइट भेजेगा। तो इसी तरह अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके एलिमेंट्स के अंदर जाके भी देख लेना, कोई चीज़ आपको मिल रही है तो वो आपने यहाँ से ढूंढ लेनी है और उसके अंदर ऐड कर देनी है। जैसे कि ये अब मैंने 10 ममालिक की फहरिस्त दी गई है जिनमें मोटापे की शरह ज़्यादा है, तो ये टॉप 10 वाली बेसिकली वीडियो है। तो इसी फॉर्मेट को एडिट करके आप टॉप 10 में चले जाएँ, फैक्ट में चले जाएँ, क्लिप 2 की बजाय 1 कर दें, ये सब कुछ हो सकता है। उसी फॉर्मेट को मैं एडिट कर रहा हूँ, मुझे अब ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये मोटी लड़की यहाँ पे ऐड कर दी, ऊपर मैंने लिख दिया टॉप 10, तो अब ये टॉप 10 की वीडियो बन गई। अपनी मर्जी का वही म्यूजिक रहने दें, म्यूजिक चेंज कर दें, एक ही चैनल के अंदर अगर आप तीनों कॉन्सेप्ट लाना चाह रहे हैं ऐसा भी कर सकते हैं। ऊपर जाके मजीद अगर आपने कुछ इफेक्ट्स चेंज करने हैं तो उसको चेंज किया जा सकता है। तो देखें, ये पहला क्लिप हो गया। अब इसके अंदर जो दूसरा क्लिप है उसको चेंज भी किया जा सकता है और उसको डिलीट भी किया जा सकता है, लेकिन हम डिलीट कर देंगे क्योंकि अब हम कर रहे हैं टॉप 10। तो हमने इसका फॉर्मेट यहाँ से डिलीट कर दिया, फाइल्स हमारे पास ऑलरेडी सेव रहेंगी हमारी लाइब्रेरी में भी और कैनवा के अपलोड के अंदर भी। तो अब हमने, क्योंकि ये टॉप 10 करना है, यहाँ पे हम पहला उसका जो है वो टॉप 10 का पहला लिख देंगे, जी अमरीका है। घड़ी रहने भी दे सकते हैं, घड़ी की जगह आप अमरीका की कोई चीज़ भी डाल सकते हैं। तो अब ये सवाल पूछेगा टॉप 10 10 ममालिक,
वहां पे पहला जवाब आ गया अमेरिका, उसके बाद आप क्लिप ऐड करते जाएं, आप 10 क्लिप ऐड कर देंगे, पहला अमेरिका है, दूसरा सऊदी अरब है, तीसरा इस तरह है। और इसी तरह आप फैक्ट्स की वीडियो भी बना सकते हैं, अगर कोई और आपके जहन में आइडिया वो भी इस तरह बनाया जा सकता है। तो AI को यूज़ करके आप अपना कॉन्टेंट बहुत आसानी के साथ और पूरे महीने का कॉन्टेंट भी बना सकते हैं।